आर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नसरुल्लागंज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड भैरुंडा ने आज तहसील कार्यालय में दो ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपे। पहला ज्ञापन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम, जिसे सार्वजनिक दुर्गा पूजा के लिए अस्थायी पंडाल निर्माण के लिए मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी अव्यवहारिक अनुसूचित दिशा निर्देश पर पुनः विचार कर नए उचित व्यवहारिक दिशा निर्देश जारी करें और हिंदू समाज के त्यौहार को उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लें। दूसरा ज्ञापन देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम, जिसमें देश के राज्य में यूपी में 14 सितंबर को बहन मनीषा बाल्मीक के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसकी मौत सुबह 5:30 बजे हो गई। दरिंदों द्वारा अमानवीय कृत्य असहाय किए गए। दुष्कर्म के बाद बहन की जीभ रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। ऐसे दरिंदों को सरकार जल्द से जल्द फांसी दे और बहन को न्याय दे। नसरुल्लागंज से चांद मियां की रिपोर्ट। आज हम बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्ञापन को लेकर आए हैं। पहला ज्ञापन हमारा उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, जो मनीषा वाल्मीकि जी के साथ जो घटना हुई है, उनसे पूरा हिंदू समाज, पूरा भारत देश आज शोक व्यक्त कर रहा है। ऐसी घटना देश को झंझोर कर रख दिया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका और निंदा करती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा हो, ये राष्ट्रपति जी से आह्वान करती है, निवेदन करती है। और दूसरा ज्ञापन हमारा गृह मंत्री जी के नाम था, जिसमें दुर्गा जी का जो गाइडलाइन तय करी है, 10x10 का जो पंडाल लगाया है, चल समारोह पर रोक लगाई है, उसका हम और विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गृह मंत्री जी से आह्वान करता है कि जो आपने गाइडलाइन तय करी है उसको वापस लें, उसमें सुधार कर पुनः नई गाइडलाइन तैयार करें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।